हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल डीएमएस बेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको डीटीयू की कट ऑफ्स बताऊंगा दिल्ली के लिए और आउटसाइड दिल्ली दोनों के लिए, और सभी कैटेगरीज की और सभी ब्रांचेस की बताऊंगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और सभी ब्रांचेस की बताऊंगा, चाहे वो सीएस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल या फिर और दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों के लिए कट ऑफ्स बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा। और मैं आपको डीटीयू के बारे में कुछ बता दूं जानकारी, इन्फॉर्मेशन। तो यार देखो, डीटीयू जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया के अंदर। आईआईटीज, एनआईटीज को अगर अदर देन आईआईटीज, एनआईटीज, इवन बहुत से आईआईटीज और एनआईटीज से अच्छा है ये। और अगर बात करें इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो ये अंडर 30 में आ रहता है, टॉप 30 के अंदर इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग रहती है। और अगर बात करें दिल्ली के अंदर, तो ये सेकंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है दिल्ली के अंदर आफ्टर आईआईटी दिल्ली। और ऑब्वियसली बात है यार, दिल्ली के अंदर बेस्ट आईआईटी दिल्ली है, उसके बाद डीटीयू ही है। और अगर बात करें इसके मतलब ये कब बना, तो यार देखो, दिल्ली का सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, आईआईटी दिल्ली से भी ओल्ड है ये। तो प्लेसमेंट वाइज और किसी मतलब कैंपस लाइफ और सब कुछ मतलब बेस्ट है ये बीटेक के लिए दिल्ली के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं। क्योंकि यार देखो, जेई मेंस के थ्रू अगर बात करें तो बेस्ट है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जेई एडवांस में आईआईटी दिल्ली मिलता है। तो ये देखो, आप दिल्ली के अंदर देखो, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो, कट ऑफ मैंने स्टार्ट कर दी है मैंने, तो यहाँ पे आपको पहले कुछ बता दूँ। तो देखो यार, जेई मेंस की रैंक की कट ऑफ्स हैं ये, और ये कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, सारी सीआरएल कट ऑफ्स हैं। और यहाँ पे देखो, राउंड 5 की कट ऑफ्स है। देखो बहुत सारी राउंड्स आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा राउंड्स आते हैं, उसके बाद स्पोर्ट राउंड भी होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। घबराना मत कट ऑफ देख के, क्योंकि यार कट ऑफ हाई रहेंगी, इसके बाद लो हो जाती है, मतलब स्पोर्ट तक बहुत लो चली जाती हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि डीटीयू के अंदर कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये मैंने पहले आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आपको डाउट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रहना। देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दो कट ऑफ दिख रही होंगी। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरल 82,235 है दिल्ली रीजन की बता रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस 22,000 है, ये सीआरएल है, कोई भी कैटेगरी रैंक्स नहीं है। ओबीसी में 50,000 है जेई मेंस के थ्रू, और अगर परसेंटाइल के थ्रू इसलिए नहीं बताता यार मैं, क्योंकि कट ऑफ सेम रहती है, परसेंटाइल चेंज होती रहती है, समझ रहे हो बात को। जो हमारी परसेंटाइल है वो यार जितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं जेई मेंस में, उसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। इसलिए परसेंटाइल कभी भी नहीं मान देखनी, चेक करनी चाहिए कि इस कॉलेज की कितनी परसेंटाइल कट ऑफ है, बिल्कुल नहीं। कट ऑफ रैंक क्या है, रैंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एससी की देखो 1 लाख क्रॉस कर चुकी है, एसटी की देखो 33 लाख तक पार हो चुका है। तो और जीएन एसजीडी जो भी कैटेगरी है ये देख लेना, जिसका भी नीचे कैटेगरीज दिए हुए हैं, 8545 है। तो यहाँ पे जो है ना, देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखो 1 लाख ऊपर मिल रहा है, ओबीसी को 50,000 पे मिल रहा है, दिल्ली होम स्टेट होने का फ़ायदा देखो। और इवन मैं आपको बता दूँ, अगर होम स्टेट अगर आपकी एनआईटी है ना, तो आप अगर आप ओबीसी हैं, तो आपको यार इतनी अच्छी एनआईटी, डीटीयू जैसे एनआईटी में आपको कभी नहीं मिलने वाला 50,000 पे। सीएस के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ चुका है हमारा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डीटीयू में ब्रांचेस बहुत सारी हैं। अब बात करें आईटी की, तो आईटी में यहाँ पे देखो थोड़ी सी ज़्यादा सीएस से रहती है, कंप्यूटर से रहती है, 10,000 है, 26,000 ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी 64,000, एससी 1,27,000, एसटी 4,10,000 और जीएन एसजीडी 16,730। तो आप सबको यहाँ पे डाउट क्लियर होगा, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। तो यार देखो, इस साल कट ऑफ आई नहीं है, आप सबको ये बात पता है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ होती हैं, वही इस साल कट नेक्स्ट ईयर कट ऑफ होती हैं, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है डिफरेंस, बिल्कुल माइनर डिफरेंस रहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करिए, एक थर्ड ब्रांच है इसके अंदर। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, तो यहाँ पे 12,596 में मिला है। तो आप यार, अगर आपकी 10,000-12,000 है, तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं, अगर आपको सीएस नहीं मिल रही है तो। और वैसे अगर आप वेट भी कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड तक का, या फिर कुछ और राउंड में भी मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो 29,000 अप्रॉक्स 30,000 तक एम करके चल सकते हैं। ओबीसी की बात करें, तो 72,000 है, ये दिल्ली वालों के लिए बेनिफिट इतना। देखो अदर स्टेट वाले की बताऊंगा मैं, जो आउटसाइड दिल्ली के हैं। एससी के लिए 1,44,000 है, एसटी के लिए 4,96,000, अप्रोक्स 5 लाख तक चली जाती है। जीएन एसजीडी की बात करें, तो 14,191 है। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। यार मेरी फेवरेट ब्रांच है पर्सनली, बहुत ही मतलब अच्छी है, क्योंकि मैं सीएस, मेरी अगर पर्सनली पूछा जाए तो मेरी सीएस फेवरेट इतनी है नहीं, लेकिन मेरी फेवरेट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, क्योंकि यार आईआईटीज़ के अंदर होती है ये ब्रांच, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ब्रांच है, सीएस जैसी है बिल्कुल, और सीएस बहुत कॉमन है, इसीलिए मेरी फेवरेट ब्रांच यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। इसकी अगर बात करें, तो 15,000, देखो इसमें भी अगर आपको डाउट है कि कौन सी ब्रांच कैसी है, तो इन्होंने सीरीज़ में लगा रखी है कट ऑफ ब्रांच को, सबसे बेस्ट ब्रांच ऊपर, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ गिरती जा रही है, 15,000 पे आपको यहाँ पे जनरल को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को 32,000 पे, ओबीसी को 83,000 पे, एससी को 1,74,000 पे, एसटी को 63,000 और एसटी को 6,33,000 और जीएनएसजीडी 22,000। आप सबको पता है बहुत ज़्यादा अमेजिंग ब्रांच है। और अगर मैं आपको बता दूं, देखो यार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो देखो ये इसी बहुत अच्छी ब्रांच है, 19,944 अप्रॉक्स 20,000 आपको मिल जाएगी।
EWS के लिए 36,000 है, OBC के लिए 1,00,000 क्रॉस कर चुका है यार। एक ECE ब्रांच बता रहा हूँ मैं, वो भी DTU में, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये। SC की बात करूँ तो 1,91,000 है, ST 7,79,000, GNSGD 24,000 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 27,000, जनरल के लिए EWS 59,000, OBC 1,56,000, 960, SC 2,56,000। तो आप जिस भी कैटेगरी का देखना चाहते हैं देखना है, आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ST का 6,13,000 और अप्रोक्स बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। GNSGD का 32,000। यहाँ पे देखो यार, ST का यहाँ पे थोड़ा सा हाई चला गया है, वो वेरी करता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत अच्छी है DTU में और ग्रोथ भी कर रही है। 37,000 है इसमें, अप्रॉक्स 38,000 मान के चल सकते हैं। और EWS के लिए 69,000 है, 70,000 तक चल सकते हैं। OBC 1,77,000, SC देखो 2,94,000, ST 6,17,000 और GNSGD 40,000। और अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, MAM जिसको बोल, तो यार यहाँ पे इसकी देखो 42,000 पे है। ये मैकेनिकल की ही सब ब्रांच है, छोटी ब्रांच, ये भी अच्छी है। 73,000 इसकी EWS की है, JEE मेंस कट ऑफ। और अगेन बोल रहा हूँ मैं, ये सारी CRL कट ऑफ है, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है। OBC की बात करें 1,94,000 है, SC की बात करें 3,20,000 है। ST में सीट फुल हो चुकी है इसलिए यहाँ पे बता रहा है, क्लोज बता रहा है। GNSGD की बात करें 67,421 है। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स। ये देखो सारी IIT वाली ब्रांचेज हैं यहाँ पे, तो समझ सकते हो कॉलेज कैसा है। एक हिंट मैं आपको दे दूं, अगर कॉलेज के बारे में जानना है तो जिस कॉलेज में ब्रांचेज ज़्यादा हैं वो कॉलेज अच्छा होता है। ब्रांच तभी ज़्यादा उसमें ऐड करी जाती है क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है, समझ रहे हो बात को। अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है ना तो उसमें से ब्रांच, मतलब अगर कोई कॉलेज डिमोट हो रहा है, वैसे होता नहीं है, तो उसमें से ब्रांच हटा दी जाती है, सीट्स कम कर दी जाती है। और ऐसा गवर्नमेंट ने करा भी है कुछ कॉलेजेस में। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो DTU की फुल प्लेसमेंट डिटेल्स मेरे पास है BTech के लिए 2022 में, उस प्लेसमेंट पर ऊपर वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा यार। उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट है, करोड़ में इसकी प्लेसमेंट जाती है और CS एवरेज पैकेज 20+ है, ऑब्वियसली आप सबको पता है ये। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें तो जनरल 42,000 है, EWS 75,000 है, OBC 2,17,000 है, SC की बात करें तो 3,52,000 है, ST की क्लोज हो चुकी है। अगर आपको ST की जाननी है तो राउंड 1, 2, 3, 4 में पता चलेगी, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा जल्दी। GNSGD की बात करें तो 73,678 है। अब अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें वो है केमिकल इंजीनियरिंग, 49,440, मतलब कि अप्रॉक्स 50,000 जनरल को आपको केमिकल मिल जाएगी DTU जैसे कॉलेज में, DTU में ही मिल जाएगी, DTU जैसे क्या। EWS की बात करें तो 81,000 है, OBC की बात करें 2,26,000 है, SC की बात करें 3,53,000 है, ST क्लोज हो चुका है। यार क्लोज इसलिए हुआ ना क्योंकि यार सीटें कम होती हैं उनमें तो जल्दी फुल हो जाती हैं। और GNSGD में 54,000 है। यहाँ पे GNSGD देखो हाई चली गई थोड़ी सी, होता है यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करता है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल की बात करें तो यार 53,127 यहाँ पे है। और OBC की बात करें तो 85,663 है, EWS की बात करें तो 85,000 है, OBC की बात करें तो 2,18,000 है। 2,18,000 अगर मैं आपको बता दूँ OBC में, मतलब कि आपको आपकी अप्रॉक्स 75% इस टाइम पे, 76-77% पे यार, अगर आप OBC हैं और दिल्ली के हैं तो आपको D2 मिल जाएगा सिविल के लिए। 3,29,000 SC, और यहाँ पे ST के लिए क्लोज नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है, 3,70,000 पे। और GNSGD की 78,000 है। नेक्स्ट अगर ब्रांच की बात करें वो है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। देखो यार इतनी सारी ब्रांचेज है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ स्टार्टिंग से है CS से, तो ये भी एक ब्रांच है। इसमें ब्रांचेस तो बहुत ज़्यादा हैं DTU में, 55,000 जनरल के लिए, EWS 88,000, OBC 2,54,000, 245 एंड SC की बात करें तो 3,76,000 और ST की बात करें तो क्लोज। डरने वाली बात नहीं यार ST को, यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत सी ब्रांचेस मिल जाएंगी। और कट ऑफ देखो यार 6,00,000 तक जा रखी है, क्या प्रॉब्लम है, बहुत मिलेगी यार, तुम टेंशन मत लो। कभी कभार हो जाता है और दूसरे ब्रांच में, बाकी ब्रांचेस तो खाली हैं यार, बहुत लंबे जाते हैं। 76,000 GNSGD। अब अगर बात करें नेक्स्ट तो देखो और भी ब्रांच है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है ये भी। अगर देखी जाए, अगर आपको नहीं पता तो यार ये सिविल से ही रिलेटेड है, सब ब्रांच बोलेंगे इसको। 62,000 इसकी जनरल कट ऑफ है, EWS 94,000 है, OBC की बात करें तो 2,82,000 है, SC की बात करें 4,00,000 पे है, ST पे फिर से क्लोज। आप सब बहुत ज़्यादा टेंशन में और आ रहे होंगे ST वाले, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 87,000, तुम्हारा भाई यार तुम्हारे साथ है। अब अगर बात करें यहाँ पे तो बायोटेक्नोलॉजी हमारी लास्ट ब्रांच है यार यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी। देखो ब्रांच और देखो अप से डाउन, मतलब कि आपको यहाँ पे पूरी डाउट क्लियर हो रहा होगा कि कौन सी ब्रांच कैसी है। इन्होंने सीरीज में रखा है टॉप अच्छी ब्रांच से लेकर लो ब्रांच। देखो इनफैक्ट कोई ब्रांच खराब या अच्छी नहीं होती है, करने वाला बंदा ना भाई बायोटेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल से भी ना करोड़ के पैकेज ले सकता है।
करने के ऊपर, और सीएस वाला ना करने वाला भी ना जॉबलेस हो सकता है, मतलब अनप्लेस, जिसको प्लेसमेंट नहीं मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि 100% प्लेसमेंट तो नहीं होती है, बहुत से ऐसे अभी मैंने करा है NIT टॉप NIT, उसमें CS के लिए 100% नहीं है NIT जयपुर में, और केमिकल में 100% है। देखो यार, इसलिए ब्रांच मैटर नहीं करता है। वैसे अगर देखा जाए स्कोप वाइज तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ऊपर CS है, IT सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल, फिर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिकल, सिविल, प्रोडक्शन, स्कोप वाइज है इस साल के लिए। कट ऑफ के अकॉर्डिंग इन्होंने डाल रखा है, जिसकी कट ऑफ सबसे हाई है उसको ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है जिसकी कट ऑफ हाई रहेगी उसकी स्कोप अच्छा है। बैड टेक्नोलॉजी कट ऑफ बता दूं मैं आपको, 68,000 है जनरल के लिए, EWS 1,06,000 है, EWS के लिए 1,00,000 ऊपर तक चला गया है। ओबीसी की बात करें तो 2,90,000, यार आपकी 70% पे आपको इस DTU मिल रहा है, यार बहुत अमेजिंग है। 4,28,000 पे आपको SC को मिल रहा है, ST देखो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, 431 पे, 4,31,000 पे, और GNSTD 91,000। अब अगर बात करें डिफरेंटली एबल, यार जो PD है, PWD आते हैं एंड डिफेंस सब कैटेगरी, उनकी मैं आपको बता दूं, दिल्ली की देखो यार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले मैं आपको ऊपर वाले की स्क्रीनशॉट दिलवा दूं आराम से, ये देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ले लिया आप सभी ने। चलते हैं हम आगे, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा यार। सिर्फ मैं NITs IITs पे ही वीडियोज़ लेकर नहीं आता, IIIT पे लेकर नहीं आता, सिर्फ और भी कॉलेजेस हैं इंडिया में बहुत अच्छे, मैं सब पे वीडियो लेकर आता हूँ, सब कवर करना चाहता हूँ, आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि इतने कम रैंक में भी आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है। और ये DTU यार कोई ऐसा ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का है दिल्ली का, बहुत अमेजिंग है। BBA के लिए इतना अच्छा नहीं है यार, BBA वाले अगर कोई देख रहे हो तो बुरा मत मानना, BTech के लिए BBA यहाँ पे न्यूली स्टार्ट हुआ है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ BBA में कैसी प्लेसमेंट है, BTech की दे सकता हूँ, बहुत अमेजिंग है। जनरल की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर दिल्ली PD, मतलब PD बता दिया आपको, पर्सनल PWD जो होता है डिसेबिलिटी वाले, डिफरेंटली एबल्ड वाले, 7,71,000 इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कंप्यूटर की 5,56,000 OBC है जिसमें, आउटसाइड दिल्ली। यहाँ पे आपको अगर कुछ पॉइंट अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो कमेंट में बताना, या फिर इंस्टा पे मुझे DM कर देना, समझो। और एक बात और बता दो यार, देखो ये 12 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुकी है इसके, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर यार माफ़ी चाहता हूँ, दिल्ली रीजन की ही मैंने कट ऑफ इसमें कवर की है। आउटसाइड दिल्ली के लिए देखो यार बहुत बड़ी है इसके अंदर, मतलब अगेन बहुत लॉन्ग हो जाएगी, अप्रोक्स हाफ आवर की वीडियो हो जाएगी, तो यार देखो टाइम वेस्ट हो जाएगा दिल्ली वालों का भी, आउटसाइड दिल्ली वालों का, वो मैं चाहता नहीं हूँ। दिल्ली वाले इसको देख लो, आउटसाइड दिल्ली वाले के लिए मैं कल वीडियो लेके आ जाऊँगा, या कल परसों तक वीडियो लेके आ जाऊँगा आउटसाइड दिल्ली के लिए, तो यार ये सही रहेगा, जो दिल्ली वाले होंगे यहाँ ये वीडियो देख लेंगे, आउटसाइड दिल्ली वाले वो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मैं बताने के लिए तो यार मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मेरी इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मुझे DM कर सकते हैं। और दूसरी बात यार देखो, सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं हो तो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि यार मैं डेली वीडियो लेके आऊँगा, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है और इंटरेस्टिंग होती है, कोई भी फालतू टॉपिक पे वीडियो लेके मैं नहीं आता हूँ, आप सभी को पता है मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स को, कि उनको भी नॉलेज मिले, आपको ही मिले, मैं चाहता हूँ आप सबको नॉलेज मिले, आप सब जानकार बने, समझ रहे हो, ज्ञानी बने। और फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।